नमस्कार, बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बुलियन की अगर बात करें तो काफी शानदार मंथली क्लोजिंग हमने आते हुए देखी। हमने अगस्त में भी प्राइजेस में गेन आते हुए देखा, सितंबर में भी एक बड़ा गेन आते हुए देखा, जहां पे सोना लगभग 6% की तेजी के साथ आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 76,400 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में बेहतरीन रिटर्न बनते हुए देखे हमने। अगस्त मंथ में भी देखा, सितंबर में भी देखा। सितंबर की अगर बात करें तो लगभग 12.5% की तेजी हमने चांदी में भी आते हुए। कुल मिलाकर अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो सोने में लगभग 20% की तेजी और चांदी में 22 से 22.5% की तेजी अब तक देखी है। मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं तो सोने और चांदी में सबसे बड़ा कारण जो बना है तेजी का, वो है फैट। फेड ने हमने देखा था कि अगस्त में कहा था कि हम सितंबर में रेट कट करेंगे और सितंबर के मंथ में हमने 0.5% की रेट कट आते हुए देखी और ये 2020 के बाद का सबसे बड़ा ट्रिगर है और एक तरह का माइलस्टोन है, जिसके बाद सोने में हमने एक जबरदस्त तेजी आते हुए देखी जो लगभग हम जनवरी से अभी तक की बात करें तो 20% से ज्यादा की तेजी बनी है। डोमेस्टिक मार्केट पे आपको ध्यान हो तो बजट में 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था और जिसकी वजह से प्राइजेस में एक फॉलबैक भी आया था, अब वो पूरा रिकवर कर चुका है। अदरवाइज आज हम देखते थे कि डोमेस्टिक मार्केट पे सोना लगभग 80,000 का लेवल भी ले जाता था, लेकिन 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से अभी हम 76 के करीब प्राइसेस को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आते हुए दिखाई दी। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा कि लगभग 100 के नीचे चले गया था, अब थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है क्योंकि पिछले हफ्ते से हम देखें जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा है, जिसका सपोर्ट सोने को मिल रहा है और डॉलर को भी मिल रहा है। लेकिन एक चीज और है, पिछले 2 महीने की कंसिस्टेंट तेजी के बाद टेक्निकली सोना और चांदी दोनों ही थोड़े से ओवरबॉट में है और अब ये बताया जा रहा है कि नवंबर में जो प्राइसेस प्रोबेबिलिटी बनी थी 0.5 के रेट कट की, अब प्रोबेबिलिटी कम हुई है 0.25 के रेट कट की, 66% की प्रोबेबिलिटी है। ये कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव हो सकता है। ओनली थिंग जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। फिजिकल मार्केट में हम देख रहे हैं इस बार सादियां काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से फिजिकल गोल्ड डिमांड एशिया में खास करके इंडिया और चाइना दोनों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो एक सपोर्टिव है। चांदी के अंदर भी हम देख रहे हैं 16 पैनल्स को लेकर जो डिमांड है वो कंटिन्यू मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी है। बट अगले एक हफ्ते में टेक्निकल करेक्शन सोने चांदी में मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। फ्रेश बाइंग के लिए 75,000 का वेट करना चाहिए, 74,500 का स्टॉप लॉस और हायर साइड पे 77,000 तक के लेवल मिल जाएंगे। चांदी के अंदर भी लगभग 88,000 के करीब फ्रेश बाइंग बनती है। धन्यवाद।